खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। ये कोई ना कोई ऐसा काम कर जाती हैं जिससे इनके चर्चे शुरू हो जाते हैं। माधवी लता इस तरह नाटक करती हैं जिस तरह फिल्मों में होता है। कई बार तो नाटक और एक्टिंग के मामले में बड़े से बड़े स्टार को मात दी जाती है। इसी बीच इन्होंने तेलंगाना में वोटिंग वाले दिन यानी आज एक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया। माधवी लता हैदराबाद लोकसभा सीट से ओवैसी के सामने चुनाव लड़ रही हैं। इन पर यहाँ FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि मलकपेट पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा उम्मीदवार को बूथ के अंदर मुस्लिम महिलाओं से बुर्का हटाने और अपने मतदाता पहचान पत्र की जांच करने के साथ खुद की पहचान बताने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। इसी वीडियो को लेकर हंगामा शुरू हो गया है क्योंकि वह महिलाओं के बुर्का को हटवा रही थी। हालांकि मामले को बढ़ता देख भाजपा उम्मीदवार ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ महिलाओं से अनुरोध कर रही थी कि वह अपनी पहचान सत्यापित करवाएं, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा, मैं एक उम्मीदवार हूं, कानून के अनुसार उम्मीदवार को आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं बल्कि एक महिला हूँ। मैंने बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया था कि क्या मैं आईडी कार्ड देख सकती हूँ और सत्यापित कर सकती हूँ। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। इससे पहले माधवी लता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने पत्रकारों से कहा, पुलिसकर्मी बहुत सुस्त है, वे सक्रिय नहीं है, वे कुछ भी जांच नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाता यहां आ रहे हैं लेकिन उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो रहते गौशा महल में है और उनके नाम रंगा रेड्डी की सूची में है। बता दें कि माधवी लता ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए हैदराबाद के अमृता विद्यालय मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा था, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एक कदम सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना को नहीं बल्कि देश को आगे लेकर जाएगा। ये तो तकिए के आप तकिए के कहाँ हैं? उठाइए। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।